अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने देखा कि फ़नून की दो किस्में कौन सी हैं और कौन सी रिवायतें हैं। अजीज तलबा, फ़नून की दो किस्में हैं, फ़नून है लतीफ़ और फ़नून बसरी, और इनकी दो रिवायतें हैं, फ़नून है लतीफ़ यानी क्लासिकी फ़न और अवामी फ़न। अजीज तलबा, फ़नून की रिवायतें और किस्में काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसमें दोनों को अलग अलग याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि जो किस्में हैं फन की वो दो है, फ़नून लतीफ़ और फ़नून बसरी, है ना। और इस तलबा और हर एक किस्म के दो रिवायत है, पहली फ़न लतीफ़ और दूसरी अवामी फ़न। इस तलबा हम इस वीडियो में देखेंगे भारत में बसरी फ़नून की रिवायत। बसरी फ़नून में मसूरी और संग तराशी का शुमार होता है। मसूरी फ़न यानी पेंटिंग्स, जो तस्वीर होती है, इन्हें मसूरी फ़न कहते हैं। मसूरी दो आबादी होती है यानी 2D होती है, जिसमें कुदरती मनाजिर, अशिया, इंसान की तस्वीर और इमारतों की खाके वगैरह की तस्वीरें बनाई जाती है। अजीज तलबा, इन तस्वीरों को और इन खाकों को बनाने के लिए जो अशिया इस्तेमाल की जाती है, जो वसायलों का इस्तेमाल किया जाता, पत्थर की सिले, दीवारें, कागज, सूती या रेशमी कपड़े यानी कैनवास जिसपे आज के वक्त में पेंटिंग्स की जाती है, मिट्टी के बर्तन वगैरह शामिल है। अजीज तलबा, फने मसूरी काफी कदीम फन है, जिसके हमें सबूत आज के वक्त में गारों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अजंता में बोधि सेतु पद्मपाणि की दीवारी तस्वीर है। मसूरी का इजहार, अजीज तलबा, मसूरी का इजहार दोनों रिवायतों के जरिए किया जाता है, अवामी तर्ज मसूरी और लतीफ़े फन मसूरी, जिसमें हम पहला देखेंगे अवामी तर्ज मसूरी। हिजरी अहद के गारों में बनी हुई तस्वीर कई मुल्कों में पाई जाती है। अजीज तलबा, जो पत्थर का जमाना था, उस वक्त से जो तस्वीर या जो तस्वीरें जो गारों में बनी हुई है वो काफी मुल्कों में पाई जाती है। अगर बात की जाए अजीज तलबा के, ये जो तस्वीर है ये भारत के किन रियासतों में या किन स्टेट्स में मौजूद है, अजीज तलबा इनमें मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। अजीज तलबा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामी गारे मौजूद है, जिसमें आलमी सतह पर मशहूर तस्वीर मौजूद है। भीमबेटका को आलमी तहजीबी विरसे में शामिल किया गया है। अजीज तलबा, हम पिछली वीडियो में विरसे पढ़ चुके हैं। गारों में बनी हुई तस्वीर में इंसानी शक्ल, जानवर और चंद हिंदसी अशकाल शामिल है। अजीज तलबा, उस वक्त में जो लोग होते हैं वो कुदरती मादों के रंगों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि सफेद, लाल और काला। इन तीनों रंग, ये तीनों रंग है, ये कुदरती अशिया से मिलाकर बनाते थे और इन्हीं का इस्तेमाल वो गारों में जो तस्वीर बनाते थे उनके ऊपर किया करते थे। तो प्यारे तलबा, हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ जमाने के लोगों ने अपने एतराफ़ के इल्म और कुदरती सरचश्मों का इस्तेमाल करने की तकनीक को फ़रोग दिया या बढ़ावा दिया। अजीज तलबा मतलब कि उनके पास में जो भी वसाइल मौजूद थे उन्होंने उसका इस्तेमाल करके अपने जो तस्वीर निगारी थी या फिर जो भी तस्वीर बनाने का जो प्रोसेस होता था उसमें बेहतरी लाते गए। अवामी फ़न मसूरी की रिवायत गारों की तस्वीर की रिवायत से अपने रिश्ते को बयान करती है। अजीज तलबा, आज के वक्त में जो लोग तस्वीर बनाते हैं या फिर जो आम लोग तस्वीर बनाते हैं, तो उसमें और जो पुरानी तस्वीरें उसमें एक रिश्ता, बाहमी ताल्लुक हमें नजर आता है। घरों में शादी, ब्याह और त्योहारों के मौके पर दीवारों पर तस्वीरें बनाने, आंगन में रंगोली तैयार करने और तस्वीरों के जरिए पुरानी कहानियां बयान करने के जरिए इलाकाई अवामी फ़न की रिवायतों में तस्वीर कशी के मुख्तलिफ तर्ज वजूद में आए हैं। अजीज तलबा, जैसे कि हमारे वहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके वहाँ जब भी कोई इवेंट होता है तो रंगोली वगैरह बनाते हैं, और हमारे यहाँ भी मतलब ऐसे कुछ ऐसे है लोग जो अपने शादी के मौके पर अपने घरों पर ड्राइंग्स बनाती हैं, फिर तस्वीरें बनाते हैं। वो आमतौर पर शहरों में नहीं दिखाई देता, मगर अगर आप किसी गांव में, देहात में जाएंगे तो जो मिट्टी के घर होते हैं या जो कूड़ के घर होते हैं जिसे बोलते हैं, तो उन घरों पर आपको चीजें शादी ब्याह और त्यौहारों के मौके पर देखने के लिए मिलेंगी। अब हम देखेंगे मसूरी को, दूसरे हमारे जो रिवायती तरीका है लतीफ़ फ़न मसूरी। जैसे कि अजीज तलबा, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फ़न लतीफ़ होता है इसमें जो भी आप फ़न का इजहार करते हो इसे मखसूस उसूलों के जरिए और तरबियत के जरिए करना होता है। कदीम भारतीय अदब में मुख्तलिफ फ़नून के बारे में तमाम पहलुओं से गौर किया गया है। इनमें कुल 64 फ़नून का जिक्र किया गया है, जिसमें फ़न मसूरी का जिक्र एलिखियम या एलिखिया विद्या, इल्म खाका निगारी,
के नाम से किया गया है। इल्म खाका निगारी के मुसद्दस यानी छह पहलू है। इस पर कदीम भारतीयों ने काफी गौर और खोज किया था। रूप भेद यानी मुख्तलिफ शक्लें आजकल जो होते हैं, उसके बाद में तनासुब जो कि पैमाइश होती है, किसी भी अगर तस्वीर बना रहे हैं तो उसमें इजहार होना चाहिए पैमाइशों का और तनासुब का। जज्बा, चेहरे से तासुरात का इजहार। अजीज सलमा जो भी वहां की तस्वीर में जो चेहरे बना रहे हैं या जो चेहरे हैं तो चेहरों से जो तासुरात है उस तस्वीर के वो जाहिर होना चाहिए। हुस्न, एहसास और हुस्न यानी कि भाई जो ड्राइंग बनाया है वो खूबसूरत होना चाहिए तस्वीर में, जो भी मनाजिर जो भी वाक्य का आपने जिक्र किया है उसमें खूबसूरती होना चाहिए। मुंशाबियात, हकीकत से करीब तस्वीर कशी। अजीज सलमा जो भी तस्वीरें बनाई जाती थी उसमें हकीकत को ध्यान रखते हुए तस्वीर कशी करना जरूरी होता है। वर्णिकवन, रंगों का इस्तेमाल। अजीज सलमा तस्वीर में रंगों का इस्तेमाल करना भी जरूरी था क्योंकि उससे ही वो दिलकश और खूबसूरत नजर आती है। मुख्तलिफ मजहबी जमातों की मुकदस किताबों, पुरानों और फन तामीर की किताबों में मंदिर की तामीरात के जमन में तस्वीर कशी और संग तराशी का जिक्र पाया जाता है।